न्यू चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं और अब जो चैप्टर करने वाले हैं वो है सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये चैप्टर आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि प्रीवियस एक चैप्टर जो हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किया था वही दोबारा सामने आ गया। क्यों ये वैसा फील कराएगा, उसका कारण है पहले जब हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हम एक प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड मशीन आर रेट कैलकुलेट कर रहे थे कि जो हमारे खर्चे होते हैं वो मशीन आर रेट में या लेबर आर रेट में या लेबर क्वांटिटी रेट में कितना पड़ता है। अब सिमिलर तरीके से हम किसी सर्विस की यही कॉस्ट निकालने वाले। पहले प्रोडक्ट की बात हो रही थी, अब सर्विस की बात होगी। सर्विस लाइक मैं कहता हूँ कि मैं एक बस ऑपरेटर हूँ। अब मैं बस ऑपरेटर हूँ तो मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक सर्विस होगी जिसके मैं कस्टमर से पैसे लूँगा और कस्टमर रियलिटी में पैसेंजर्स होंगे। वो मेरे से कोई प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेंगे बल्कि मेरी बस के अंदर ट्रैवल करेंगे। जैसे आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू आप कस्टमर से चार्ज करते हैं, वैसे जब आप सर्विस बेचते हैं तो सर्विस की भी तो कोई वैल्यू चार्ज करोगे, नहीं करोगे। तो मैं बस में अगर उन्हें ट्रैवल करने दूंगा तो उनसे कोई फेयर तो चार्ज करूंगा ना। अब फेयर मैं कितना चार्ज करूंगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरी बस की जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या पड़ती है मुझे। मुझे उसने अपनी रनिंग कॉस्ट सारी कवर करनी है और मुझे अपना प्रॉफिट भी कवर करना है। मैं कहूं कि मैं तो एक मूवी प्लेस चलाता हूं, सिनेमा हॉल रन करता हूं, तो सिनेमा हॉल के अंदर कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेचता हूं मैं, लेकिन मूवी शो मैं दिखाता हूं लोगों को। और जब मैं मूवी शो दिखाता हूं तो उसके मैं पैसे लूंगा। तो मुझे एक शो के एक पर्सन से कितने पैसे लेने चाहिए इसका पता तभी चलेगा जब मैं पहले अपने पूरे सिनेमा हॉल की टोटल कॉस्टिंग कर लूं। मेरा एक हॉस्पिटल हो सकता है, अब हॉस्पिटल के अंदर भी कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेचा जा रहा है, उसके अंदर हम एक बेड को पर डे के लिए रेंट पे देते हैं और उसके चार्जेस ले लेते हैं। तो बहुत तरह की सर्विसेज जो है हमें देखने के लिए मिलती है, जहां पर सर्विस देखने के लिए मिलती है वहां पर हम करते हैं ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। लेकिन जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है बिल्कुल सेम तरीके से आप सर्विस की भी कॉस्ट निकालते हैं। अपने फिक्स एक्सपेंसेस, अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे उस यूनिट से जिस यूनिट में आप काम करते हैं। अब यूनिट क्या होगी, अगर मैं बस ऑपरेटर हूं तो मैं चार्ज करूंगा पैसेंजर और किलोमीटर के हिसाब से। फिर बस ऑपरेटर पैसेंजर भी पूछता है, भैया अगर आप चार लोग साथ चले जाओगे बस में तो वो चार का किराया लेगा, अगर दो लोग जाओगे तो दो का किराया लेगा, अकेले होगे तो एक का किराया लेगा, लेकिन वो किराया नंबर ऑफ पर्सन और साथ में कहाँ तक जाओगे, कितने किलोमीटर जाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं अगर आप टैक्सी बुक करो तो वहां से नंबर ऑफ पैसेंजर नहीं पूछेगा, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, चार तक लोग अगर बैठ सकते तो नंबर ऑफ पैसेंजर वहां पे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वहां पे कितने किलोमीटर जाओगे सिर्फ वो रेलेवेंट है। तो बस के अंदर पैसेंजर भी रेलेवेंट है और किलोमीटर भी रेलेवेंट है, इसलिए वहां पे निकाला जाता है पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन टैक्सी के केस में पैसेंजर रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ किलोमीटर रेलेवेंट है, इसलिए टैक्सी का किराया सिर्फ किलोमीटर में निकाला जाएगा। ऐसे अगर मैं सिनेमा हॉल की बात करूं तो सिनेमा हॉल में पूरे दिन का किराया, पूरे दिन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं, आप सिर्फ 3 घंटे का एक जो शो होता है उसकी कॉस्ट के अंदर बात करेंगे। एक सीट 3 घंटे के लिए जब हम देते हैं किसी को तो कितना हमारा खर्चा पड़ता है, ताकि उसी रेट के अंदर हम कस्टमर से चार्ज कर सके। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पे 3 घंटे की कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती, वहां पे हम पर डे के लिए बेड देते हैं, इसलिए पर डे के अंदर आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ताकि आप कस्टमर से पेशेंट से सही तरीके से चार्ज कर सके। बात समझ आ रही है? तो हर इंडस्ट्री में ये जो कॉस्ट यूनिट है वो फर्क हो सकती है। सिनेमा हॉल में कॉस्ट यूनिट एक सीट 3 घंटे की, उसका खर्चा कितना है? वही हॉस्पिटल में एक बेड एक दिन का कितना खर्चा पड़ता है? अगर मैं बस ऑपरेटर की बात करूं तो पैसेंजर और किलोमीटर दोनों रेलेवेंट है, इसलिए पैसेंजर किलोमीटर में कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं वही बात अगर टैक्सी ऑपरेटर करूं तो केवल किलोमीटर रेलेवेंट है। इसलिए हर इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट फर्क हो सकती है, चाहे कॉस्ट यूनिट कैसी फर्क हो, लेकिन आपका बेसिक तरीका सेम रहेगा कि आपके जो खर्चे हो रहे हैं उसमें फिक्स एक्सपेंस कितने हैं, वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं, और ये जो फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस है उसको आपकी जो भी कॉस्ट यूनिट है, रीजनेबल कॉस्ट यूनिट जो पर बेड पर डे हो सकता है, पर शो पर सीट हो सकता है, पर पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है, वो पैसेंजर की जगह सारी किलोमीटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विस होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉस्ट यूनिट चलती है। क्लियर है इतनी बात जितनी मैंने आप लोगों को बताई है? हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप की सर्विस की बात करेंगे, और फर्स्ट टाइप की सर्विस है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर गुड्स और पैसेंजर दोनों तरह की सर्विस देने वाले ऑपरेटर आपको मिल जाएंगे। कुछ सामान इधर से उधर करते हैं, आपको अगर कोई सामान कहीं पर भेजना तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टर चाहिए, और खुद आपको ट्रैवल करना उसके लिए भी ट्रांसपोर्टर चाहिए।
तो जो सामान होता है उसके अंदर जो हमारी यूनिट्स चलती हैं जनरली, वो चलती हैं टन या किलोमीटर और साथ में केजी या क्विंटल, ठीक है ना। तो आपको अगर सामान भेजना, तो आप कितना सामान, कितना वजन का सामान, कितने किलोमीटर भेजें, उसके अंदर यूनिट निकाली जाएगी। वहीं अगर आप बस ऑपरेटर की बात करें तो ऑब्वियसली बात पैसेंजर किलोमीटर के अंदर होगी। अगर आप टैक्सी की बात करेंगे तो किलोमीटर के अंदर बात की जाएगी। तो अभी जो हम फिलहाल क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा फोकस ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिफरेंट डिफरेंट उनकी कॉस्ट आती है उनकी यूनिट के हिसाब से, उसकी कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपकी बुक से एक इलस्ट्रेशन से सबसे बेसिक पॉइंट इसका करना शुरू करेंगे, वो है कैसे किलोमीटर या टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन होती है और कैसे एक जनरल क्वेश्चन के अंदर हमारी कॉस्ट पर जो भी ये यूनिट है उसमें उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है वो 9.1 है और इस इलस्ट्रेशन 9.1 में आपको बताया गया फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक ट्रांसपोर्टर ने इतना सामान इतने किलोमीटर भेजा, उसकी डिटेल बताई गई है। इसको इस पूरे पीरियड के अंदर चार असाइनमेंट मिले हैं जिसमें क्वांटिटी और डिस्टेंस बताई गई है। फर्स्ट जो असाइनमेंट इनको मिला उसके अंदर क्वांटिटी, और उसके अलावा अगर मैं किलोमीटर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो। यहाँ पर इन्हें 30 क्विंटल सामान मिला जो उन्होंने 50 किलोमीटर के लिए ट्रैवल किया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500 क्विंटल किलोमीटर, क्विंटल किलोमीटर। दूसरा असाइनमेंट जो इनको मिला वो इनको मिला 15 क्विंटल सामान और इसको उन्होंने ट्रैवल कराया 100 किलोमीटर, तो हो जाएगा फिर से 1500 क्विंटल किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा क्विंटल किलोमीटर। थर्ड जो इनको जॉब मिला उसके अंदर इनको सामान दिया गया 10 क्विंटल और ये इन्होंने 60 किलोमीटर दूर पहुंचाया, तो इसके लिए 600 क्विंटल किलोमीटर हो जाएगा। और उसके बाद फिर फोर्थ जो इनको असाइनमेंट मिला, चौथा असाइनमेंट मिला, उसके अंदर इनको 20 क्विंटल सामान था जिसको उन्हें 70 किलोमीटर दूर छोड़ना था और उसके अंदर हो जाएगा 1400 क्विंटल किलोमीटर। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो टोटल वैल्यू आ जाती है 5000 क्विंटल किलोमीटर है ये। यहाँ पे क्विंटल और किलोमीटर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका क्या एडवांटेज मिलेगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये सारा का सारा काम करने में जो हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ, टोटल एक्सपेंस वो भी क्वेश्चन में गिवन है ₹8000 रुपए का हमारा खर्चा हो गया। तो 8000 रुपए का खर्चा करके हमने चारों के चारों जॉब पूरे कर दिए जिसमें इतने क्विंटल किलोमीटर हमारे निकले, क्विंटल और किलोमीटर को मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया था। अब अगर मैं यहां पे कॉस्ट पर क्विंटल किलोमीटर निकालना चाहूं तो बहुत आसान है भाई, इतना खर्चा करके इतने क्विंटल हमने सामान जो है वो ढोया है, तो ₹8000 डिवाइड बाय 5000 कर दूं तो जवाब आ जाता है ₹1.60। अब क्या इसका एडवांटेज है वो जरा समझ लीजिए। हमने जो कैलकुलेशन किया आखिर वो हमें शो क्या करती है, ये कैलकुलेशन हमें ये शो करती है कि अगर आपको कोई पर्सन एक क्विंटल सामान, सिर्फ एक क्विंटल सामान एक किलोमीटर तक छोड़ने के लिए बोलता है तो हमारा खुद का खर्चा ₹1.60 आ जाता है। ऑब्वियसली हम कस्टमर को तो ₹1.60 में नहीं भेजेंगे सामान, हम उससे बोलेंगे भैया हम तो ₹2.50 पर क्विंटल किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लेते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा, आप इंस्टेंटली किसी भी पर्सन का फॉरन बिल क्रिएट कर सकते हैं। अब टैक्सी वाले आपसे जो पैसा लेते हैं तो उसने पहले से कैलकुलेशन की होती ना, इंस्टेंटली थोड़ी उसको पता चल जाएगा कितना खर्चा, लेकिन उसने अपना एवरेज खर्चा निकाला हुआ है कि एक बार मैं टैक्सी जब रन करता हूँ तो मेरा एवरेज खर्चा कितना पड़ता है, उसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, पेट्रोल, डीजल, उसका प्रॉफिट सब कुछ शामिल होता है। और उसने उसको किस फॉर्म में निकाला हुआ है, किलोमीटर के फॉर्म में। तो आपसे वो किलोमीटर के पैसे लेता है तो उसे सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लिया कि ₹1.60 पर क्विंटल किलोमीटर हमारा खर्चा आता है। अब अगर कोई पर्सन मेरे पास आ जाता है और कहता है जी मेरा कुछ सामान है, हम सबसे पहले पूछेंगे भैया उसमें वेट कितना है, बिल देखो कितना आसानी से बनेगा, हम पूछेंगे वेट किसने कर दिया, मेरे पास जो सामान है वो 20 क्विंटल वेट है उसमें। फिर उन्होंने पूछा भाई कहाँ छुड़वाना चाहते हैं, उसने बोला जी हमारा जो डिस्टेंस है जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं वो रहेगा 50 किलोमीटर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये 1000 क्विंटल किलोमीटर। टोटल मल्टीप्लाई करने से 1000 क्विंटल किलोमीटर आ गया और हमने रेट क्या निकाला हुआ है ₹1.60, लेकिन हम उसको लगाएंगे ₹2.50 का रेट से एग्जांपल, तो मैं उसे कहूंगा भैया ₹2.50 के हिसाब से हम 2500 पे तुमसे फेयर लेंगे और तुम्हारा सामान वहां पे पहुंचा देंगे। तो आपने जब क्विंटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति आ गया उसके पास 15 क्विंटल सामान है और वो
30 किलोमीटर ही छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 450 क्विंटल किलोमीटर। और जस्ट किससे मल्टीप्लाई करें, जो आपने फेयर चार्ज रखा होगा 2.5 रुपये, और आपको उसके अंदर पता चल जाएगा कितने पैसे उसे चार्ज लेने। अगर आप खाली क्विंटल निकालेंगे, खाली किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो हर जगह यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर इंसान के पास अलग वजन होता है, फिक्स वजन तो होता नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटी और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करके सिंगल क्विंटल का, सिंगल किलोमीटर का फेयर बताते हैं। ऑब्वियसली सिंगल क्विंटल का है तो कोई 2 क्विंटल बोलेगा तो डबल लगेगा, 3 क्विंटल बोलेगा तो 3 गुना हो जाएगा, 4 क्विंटल बोलेगा तो 4 गुना पर क्विंटल का पहले रेट बढ़ेगा, और जितना डिस्टेंस है उतने गुना वो और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जवाब निकालने के लिए आपको पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो भी आपने फेयर तय किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर कैसे डिसाइड होगा, फिर डिसाइड होगा कि आपकी लागत क्या पड़ती है। क्लियर सारी वर्किंग कंप्लीट है।